नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बंधन बैंक के ऊपर, क्योंकि बंधन बैंक के ऊपर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स एक साथ आए हैं। आप जिस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आज इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इस वेबसाइट में नीचे आना है आपको, यहाँ पे ज्वाइन आवर टीम के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन आस नाउ इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं तो इस जरूर कहूंगा ज्वाइन आस नाउ के ऊपर क्लिक करिए। तो एक डिटेल्स आपको डेटा मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपका लोकेशन क्या है वो सबसे पहले डालिए, उसके बाद आपको डिटेल्स डालना होगा, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो देखिए प्रेफर्ड ऑफ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं उसके लिए इस बटन के ऊपर क्लिक करिए। ध्यान से देखना, बहुत अलग अलग पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक दो बिजनेस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑडिट है, बैंकिंग ऑपरेशंस है, ब्रांच बैंकिंग है, तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है, डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, लॉज, साथ ही साथ लीगल, मार्केटिंग, माइक्रो बैंकिंग, आदर्स, साथ ही साथ रियल इस्टेट, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला। इस अलग अलग पोस्ट के हिसाब से पूरा डिटेल्स को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस डिटेल्स के हिसाब से आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे मैंने किया ब्रांच बैंकिंग के ऊपर, और मैंने लोकेशन लिखा, मान के चलिए मैंने लिखा कोलकाता, तो मैंने कोलकाता यहाँ पे लोकेशन लिखा। आपके लोकेशन लिख सकते हैं, कोई भी लोकेशन लिख सकते हैं जिस लोकेशन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद एक फॉर्म सामने आया। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, तो आपका नेम लिखा, उसके बाद जेंडर, मैंने मेल जेंडर चूज किया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे, उसके बाद आपको करंट पिन कोड, और आपको स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है। देखिए कोलकाता के लिए आप अप्लाई करें तो आपको ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल होगा, आप जिस जगह पे अप्लाई करेंगे उसी के स्टेट और आपके स्टेट जरूर एक होना चाहिए। साथ ही साथ करंट जो सिटी है सिटी भी डालिए, और आपका हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो डालिए। मान के चलिए मैंने डाल दिया आदर्स, आदर्स के हिसाब से आपको लिखना भी है। आप अगर आप बी बी मतलब बी ए कम्प्लीट कर चुके, एम ए कम्प्लीट कर चुके, एम बी ए कम्प्लीट कर चुके वो भी डाल सकते हैं। मान के चलिए मैंने डाल दिया बी ए, तो उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वो भी आप डालिए। उसके बाद आप फ्रेशर्स है कि आपका एक्सपीरियंस है, देखिए आप दोनों के लिए काम यहाँ पे कंपनी आपको देने वाला है। अगर आप फ्रेशर्स है तो उसके लिए आपको सैलरी पैकेज कम मिलेगा और चांसेस मिलने में थोड़ा सा शायद टाइम लग सकते हैं। अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आपको जल्द से जल्द चांस मिलने का चांसेस रहेगा, मतलब आप कोई भी ब्रांच में काम कर चुके पहले, कोई भी NBFC इंडस्ट्रीज में काम किया है, तो आपको जॉब मिलने का चांसेस, मतलब काम मिलने का चांसेस बहुत क्विक हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके आप खुद इस साइड लॉगिन मतलब बंधन बैंक के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए और एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।